खुबानी का मीठा बना है, उसमें 1 किलो खुबानी ली हूँ, उसको रात भर पानी में भिगाई थी, भिगा के सुबह में उससे इस तरीके से बादल निकाल दी, बादल निकाल दी हाँ, और इस तरीके से रख ली हाँ। उसके बाद आधा चीरा लगा के पूरा हाँ, उसको आधा नहीं करना, जब वो खुद ही हो जाते हैं अच्छे हो जाते, गोल गोल अच्छा लगता है। उसके बाद आप क्या करना है, पूरे निकालने के बाद ये जो उसका पानी रहता ना, उसमें इसको थोड़ा सा चूल्हे पे रख के गला लेना। उसके बाद जब जरा हाथ लगा के देखो तुम जरा गल गए, अभी नरम हो गए मगर उसमें और गल जाना हाँ। अच्छे गलने के बाद उसमें 1.5 किलो चीनी डाल, चीनी डाल के खूब हिला हिलाना, अच्छा वो करना, जब जरा जरा शीला रहता ना नीचे, जब 2 नींबू का रस, 2 नींबू का रस डाल के बस थोड़ा सा पका के रख। तो 1 किलो खुबानी में 1.5 किलो चीनी और 2 नींबू का रस ठीक जी। हमें चीनी कितनी लेनी है? 1.5 किलो 1.5 किलो चीनी 1 किलो है ठीक है। और ये 1 पाव हो गई, 1.5 किलो मैं तो 278 है बस ठीक है हाँ? बस पूरी 1.5 किलो नहीं हुई ना, जरा कम है ना, 1 किलो और तकरीबन 1 पाव बोलो, 1 पाव नहीं, ये तकरीबन 1/2 किलो से जरा कम है ठीक। बस इसका रस निकाल दूँ, 2 नींबू का निकल रहा है रस है ना, निकल रहा कभी इतना रसदार नहीं होता। डबल डबल छिलका बिठा के उसमें से रस और निकलता है रस। ये बस काफी है ना फिर 1 किलो के लिए पानी, जो खुबानी का पानी था इसमें डाली हो ठीक है। चूल्हा जला ली हो, क्या समय हल्की आंच रखनी है? हल्की है बहुत, नहीं हल्की रखनी है आंच हाँ, लगता ठीक। अच्छा अब इसको थोड़ा सा पकाना, नहीं नहीं पकाना नहीं, अब इसमें मैं ये डाल दूँ ठीक है। खुबानी, ये खुबानी का ही पानी है जिसमें भीगी थी रात को, ये थोड़ा सा रस है, थोड़ा सा गल जाती इसमें अम्मी, इसका पानी अब सूख रहा है तो चीनी कब डालेंगे? थोड़ा सा ये गल जाए, गल जाए बाद चीनी डालेंगे, एकदम ऐड जाती है अकड़ जाती है, थोड़ा सा और गले बाद इसमें चीनी डाल ठीक जी। अम्मी अब चीनी डाल रही हैं आप? हाँ ये अब गल गए ना तो अब इसमें चीनी डाल रही हूँ, 1.5 किलो चीनी है और पानी बिल्कुल मैंने बस पानी लग सूख गया है, थोड़ा थोड़ा रह गया है बस, तो अब शीरा बनता है ना ठीक। देखो मैं इसलिए वो बड़ा पतीला ले रही थी। अच्छा इसलिए बड़े पतीले में पकाएंगे,
मिक्स करना आसान होता। ठीक ठीक, ये हमने छोटा पतीला ले लिया मेरी रिक्वेस्ट पर। ये चीनी मिल गई ना। अच्छा, अब इसका चूल्हा चल रहा है, आँच आँच ऑन है। इसको कितनी देर पकाना है? थोड़ी देर और। अच्छा, अब आप नींबू डाल रहे हैं थोड़ा सा छान के, ताकि थोड़ा गाढ़ा हो गया, लेकिन थोड़ी देर छोड़ेंगे तो गाढ़ा हो जाएगा। जब आप कस्टर्ड बना रहे हैं, कितने दूध का बना रही हैं? 1 किलो के साथ दो लीटर, ये 1.5 लीटर है। हमें 1.5 लीटर है। 1 किलो खुबानी के साथ 1.5 लीटर, 2 लीटर आपको कस्टर्ड बनाना, दूध का कस्टर्ड बनाना। अच्छा ठीक है, वेरी इम्पोर्टेंट है। चीनी डाल के हिसाब से वो कस्टर्ड की रेसिपी के लिहाज से दूध में डाल देना, मिक्स करके कस्टर्ड तैयार करना। पक रहा है दूध, चीनी आप कितनी डाले इसके अंदर दूध में? दूध में चीनी कितनी डाले आप? 2 बड़े चम्मच। बस 2 बड़े चम्मच? 2 लीटर दूध में 2 बड़े चम्मच, तो कम क्यों डालते हैं? इसलिए डालते हैं कि खुबानी में चीनी ज्यादा रहती है, लाइट है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड डाल दीजिए, इसको हिला के रहना वरना कस्टर्ड के नीचे बन जाए। इसको हिलाते रहना जी, हल्की आंच पे पकाएं। और इसका मीठा भी थोड़ा सा कम रखा है, क्योंकि खुबानी के मीठे में बहुत मीठा ऑलरेडी है।